होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं फोर्स की वैल्यू पुट कर दूंगी तो आ जाएगा जी एम वन एम टू अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में डिस्टेंस इंटू में थीटा। तो वर्क जो हो जाएगा वही आ जाएगा, इसको मैंने लिमिट्स रख दी। फिर यहाँ पे जो है वर्क इज इक्वल टू माइनस डी एम एम अपॉन में आर, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एम जी एच होता है। टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी एंड ग्राउंड पे जो होता है ज़ीरो होता है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहता है। प्लैनेटरी लॉस क्या कहते हैं कि एक फोकाई पे हमारा सन होता है, रिवॉल्व करता है, और जितना भी एरिया जो है स्वीप होता है, अगर एक प्लैनेट ने इतना एरिया स्वीप करा है तो दूसरे प्लैनेट ने भी इक्वल एरिया स्वीप करा होगा। और टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। टी वन स्क्वायर अपॉन में टी टू स्क्वायर इक्वल टू आर वन क्यूब अपॉन में आर टू का क्यूब। ये होगा जब इलेप्टिकल पाथ में होगा।